अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज की इस लैब में हम करेंगे एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, और ये एनटीपी होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इससे आप अपने राउटर और स्विचेस, जिस यानी जितने भी डिवाइसेस हैं आपके पास, उन सब के टाइम सिंक कर सकते हैं, यानी उन सब पे एक जैसा ही टाइम चलेगा। तो इसके लिए आपको एक सर्वर बनाना पड़ेगा और राउटर और स्विचेस जितने भी आपके नेटवर्क में हैं उनको बताना पड़ेगा कि आपका सर्वर ये है, वो सर्वर से अपना टाइम जो है सिंक्रोनाइज कर लेंगे। तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास सर्विसेज में एनटीपी सर्वर है। इसके ऊपर सबसे पहले आपने ये जो है सर्विसेज इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप जुलाई जो है आज 31 है और 9:58 हो रहे हैं इस टाइम, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर चेक करें कि इस राउटर में टाइम क्या आ रहा है। शो क्लॉक हम करेंगे तो हमारे पास 9083 आ रहा है, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट टाइम है। हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे, एनटीपी कमांड है इसकी, एनटीपी सर्वर, और सर्वर की आईपी देंगे जो कि 10 डॉट, इसको एक सेकंड में अगर इसका मैग्नीफायर ऑन कर दूं तो एनटीपी सर्वर है 10.2 की आईपी है, ये एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम चेक कर लें कि इसमें टाइम इसका, थोड़ी देर में अपडेट कर लेगा इसको। हम इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन को भी सेट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से इसी वजह से ये नहीं कर रहा कि इसकी वन कर देते हैं और पासवर्ड इसका सिस्को कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए। कॉन्फ़िग टर्मिनल में आते हैं, एनटीपी, और एनटीपी के साथ ऑथेंटिकेशन की वन, MD5 और सिस्को। ठीक है, अब हम चेक करते हैं शो क्लॉक, तो ये देखें इसने अपडेट कर लिया टाइम वगैरह। सेम हम इसके ऊपर आते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल के ऊपर आते हैं, एनटीपी, पहले सबसे पहले इसको शो क्लॉक करें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये इसमें टाइम फिलहाल सेट नहीं है। तो एनटीपी सर्वर, सर्वर की आईपी हम देंगे इसको, उसके बाद एनटीपी ऑथेंटिकेशन की वन, MD5 और सिस्को। ठीक है, अब इसको शो क्लॉक करें तो ये
तो जनाब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है सिंक्रोनाइजेशन में, उसके बाद ये खुद को अपडेट कर लेता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद, अल्लाह।